उमरगांव जीआईडीसी में स्थित सिनोमेटिक इंडिया मशीनरीज कंपनी में बॉयलर फटने से एक कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई और दो अन्य कर्मचारी के घायल होने की खबर प्राप्त हुई है। उमरगांव जीआईडीसी में सिनोमेटिक इंडिया मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड में आज दोपहर में बॉयलर का प्रशिक्षण किया जा रहा था, उसी दौरान बॉयलर में विस्फोट होने से एक कर्मचारी की मौत हो गई और दो अन्य श्रमिकों की गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिनोमेटिक इंडिया मशीनरीज प्राइवेट लिमिटेड उमरगांव न्यू जीआरडीसी में स्थित है। आज दोपहर करीब 3 बजे कंपनी के कर्मचारी रोजाना की तरह काम कर रहे थे, इसी बीच एक मशीन की टेस्टिंग के दौरान बॉयलर में अधिक दबाव बनने के कारण बॉयलर फट गया। धमाका इतना जोरदार हुआ कि कोसों दूर तक धमाके की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रहा था। अचानक हुए इस भयानक विस्फोट से आसपास के विस्तार में सनसनी मच गई, इससे पड़ोसी कंपनी के श्रमिकों में भी भय का माहौल फैल गया। विस्फोट के घटना की जानकारी उमरगांव पुलिस को दिया गया। मौके पर तुरंत ही पुलिस स्टेशन के PI वीडी मोरे अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना मिलते ही उमरगांव की महिला प्रमुख जेनिल पांडव अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंची और घटना की जांच की। हालांकि इस घटना में कंपनी में काम करने वाले यूपी के रहने वाले अरविंद नाम के मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घटना की जाँच में पुलिस जुट गई है और हर पहलुओं की बारीकता से जाँच कर रही है।